सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज बड़ी मुश्किल से मुकाबले को अंतिम ओवर तक खींच पाए। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब फैफ डु प्लेसिस ने गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के सर के ऊपर से छक्का लगाया तो टीम के साथी खिलाड़ी मैदान पर दौड़ लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। स्टेडियम में बैठे साक्षी धोनी भी जोर जोर से चिल्लाकर खुशी जताने लगी। फैफ डु प्लेसिस ने सिद्धार्थ कोल की गेंदबाजी पर 19वें ओवर में 3 चौके लगाकर मुकाबले को आसान बना दिया। इसके बाद फैफ डु प्लेसिस का वो सिक्सर आया जिसने चेन्नई को रिकॉर्ड 7वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया। 15वें ओवर तक मुकाबले में काफी पीछे चल रहे चेन्नई की जीत की उम्मीद उसके कई समर्थकों ने भी पीछे छोड़ दी थी। यही कारण है कि जीत मिलने के बाद टीम के खिलाड़ी दौड़ते हुए मैदान में घुस आए। डिवेन ब्रावो एक बार फिर अपने डांसिंग स्किल्स दिखाने लगे। मुकाबले के बदलते मिजाज का सबसे अच्छा अंदाजा चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के बदलते हाव भाव से मिला। चेन्नई के बल्लेबाज जब आउट हो रहे थे तो उनके चेहरे की निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फैफ डु प्लेसिस ने सिक्सर लगाया तो वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल 2018 की टीम्स और उनसे जुड़ी हर ताज़ा और मजेदार खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि आपको आईपीएल 2018 की खबर सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।